हेलो दोस्तों, मैं सबसे पहले ईद मुबारक देता हूँ। उसके बाद मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ जो आप लोग भूल जाते हैं, सब्सक्रिप्शन बटन को दबाना। और सब्सक्रिप्शन बटन को सबसे पहले आप दबाइए, क्लिक करिए, और साथ ही साथ हो सके तो आप एक शेयर भी करिए। और कोई भी डाउट्स है रिगार्डिंग ये वीडियो के हिसाब से, आप कमेंट भी लिख सकते हैं मुझे, और मैं आपसे इसका रिप्लाई भी दूंगा। और आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ पानी के वजह से बच्चों में क्या क्या प्रॉब्लम शुरू होते हैं, खास करके स्कूल के बच्चे में ये ज़्यादातर देखा जाता है कि स्कूल में जब बच्चे आते हैं बिना पानी पिए स्कूल में आते हैं। और उस वजह से सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि पानी हमारे बॉडी में 80% के आसपास होती है, और उसमें से अगर 80% में से अगर कम हो जाता है पानी हमारे बॉडी में, तो बहुत सारे असंतुलन बिगड़ जाता है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स फंक्शन करना बंद हो जाता है, धीरे धीरे स्लो हो जाते हैं, अनफंक्शनल हो जाता है। इस वजह से आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले मैं अपने माँ बाप पेरेंट्स जो है बच्चों के जो माँ बाप है उनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग हमेशा एक गिलास पानी सुबह मतलब व्हेन दे गेट अप, जब उठ जाते हैं नींद से, तब उठते ही इनको एक गिलास पानी पहले पिलाइए, और हो सके तो उसको टाइमली खाना भी दीजिए। तो क्या होंगे, बच्चे का जो अंदरूनी संतुलन होता है वो हमेशा बरकरार रहेंगे और सही सलामत फंक्शन करेंगे। और उस वजह से बच्चे क्या होते हैं, स्कूल में आते ही कभी जब असेंबली होते हैं असेंबली में गिर जाते हैं, या चक्कर आ जाते हैं, या वॉमिटिंग होते हैं, पेट दर्द होता है, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो आती हैं। तो इस वजह से बच्चे में जो जो हेल्थ कंडीशन है वो स्ट्रांग होती है। अगर पानी आप हमेशा एक गिलास पानी रोज़ सुबह उठ के पिलाएंगे, छोटे छोटे बच्चे जो है स्कूल में आते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, और जैसे बड़ों के लिए मैं आज नहीं बोल पाऊँगा, छोटे बच्चे के लिए मैं आज बोलना चाहूँगा कि आप लोग ध्यान रखें, हमेशा एक गिलास पानी पिलाइए। उस वजह से बच्चों में कमज़ोरी आ जाती है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो आपको डॉक्टर भी नहीं बताएंगे। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है और फॉलो करिए, आपके बच्चे हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे और पढ़ाई में भी दिल लगा रहेगा। और साथ साथ आप लोग भूलिएगा मत, सब्सक्रिप्शन बटन को आप क्लिक करिएगा, और भी नए नए मैं वीडियोस में बनाऊंगा, और आपको तुरंत आपको सबसे पहले आपको जानकारी मिल जाएगी, और आप उसको देख सकते हैं, और कुछ ना कुछ तो जानकारी आपको मिल जाएगी। एटलीस्ट मैं इतना जितना हो सके, जितना हो रहा है मेरे से अभी फ़िलहाल, मैं अभी